Pobara. मनुष्य अपने कर्मों के फल को नियंत्रण करने का प्रयत्न करता है सदा, अपने कर्मों के फल को अपनी इच्छा से प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु जब पासे हाथ में आते हैं तो जुआरी बिना खेले रह नहीं पाता। वो ये जान ही नहीं पाता कि उसने पासों को नहीं बांधा, पासों ने उसे बांधा है। जीवन में भी मनुष्य यही चिंता करता है कि उसे उसके कर्मों का उचित फल मिलेगा या नहीं। ये चिंता नहीं करता मामा श्री, ये कर्म करने का उचित समय है या नहीं। शीघ्र ही तुम्हें संपूर्ण वस्त्रहीन होकर अपनी माता के सामने उपस्थित होना है। वे अपनी आंखों की पट्टी हटाकर तुम्हारे शरीर के जिस भी भाग को देखेंगी वो वज्र बन जाएगा मित्र। श्री दुर्योधन, हाँ? राधा श्री, ये स्नान का समय तो नहीं, आपके लिए सन्यास का समय अवश्य है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो वासुदेव? मैं तो पूजन के लिए दुर्वा लेने निकला था, आपको देखा तो विचार करने लगा कि वस्त्र कुछ मनुष्यों के लिए लज्जा होते हैं, अन्य कुछ मनुष्यों के लिए मर्यादा होते हैं, कुछ मनुष्यों के लिए अहंकार होते हैं और किसी किसी मनुष्यों के लिए बंधन भी। आप किसका त्याग कर रहे हैं? के लिए मामा श्री, पाँव बारा। लीजिए वासुदेव, मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास से मेरी इच्छा के अनुसार फल देते हैं, इसलिए आपके कर्म के सिद्धांतों पर मेरा विचार करना आवश्यक नहीं। मनुष्य जब सफलता की यात्रा पर होता है तो ऐसे ही विचार करता है, इसी कारण से जब उसे निष्फलता का प्रथम समाचार मिलता है तो मंदिर की ओर दौड़ता है, और फिर सफलता मिलते ही उसे स्वयं पर विश्वास होने लगता है। वास्तव में उसका संपूर्ण विश्वास ना स्वयं पर है ना ईश्वर पर, दौड़ता रहता है गांधार से हस्तिनापुर, हस्तिनापुर से द्वारका और द्वारका से मगन, पासे फेंकता रहता है। उसे लगता है कि वो जीत रहा है, किंतु जीवन कोई द्यूत सभा तो नहीं मामा श्री, कि केवल सामने बैठा व्यक्ति ही खेल रहा हो। हमारी दृष्टि मर्यादा के पार भी अनेक लोग हैं जो अपने अपने दांव खेल रहे हैं, उनका परिणाम भी हम पर पड़ता है ना मामा श्री? इसलिए मैं परिणाम पर नहीं कर्म पर अधिकार रखने का प्रयत्न करता हूं। वासुदेव जाओ यहां से, आज तुम मेरा मार्ग नहीं रोक सकते, जाओ। कोई कभी किसी का मार्ग नहीं रोक सकता भ्राताश्री,
अन्यथा कुरुक्षेत्र में इतना संहार ही नहीं होता। मेरा विश्वास कीजिए भ्राताश्री, मैं कभी किसी का मार्ग नहीं रोकता, केवल ज्ञान देता अपनी शक्ति के अनुसार, और सुनने वाला ग्रहण करता है अपने धर्म के अनुसार। धर्म की बात तुम्हारे मुख से अब शब्द प्रतीत होती है वासुदेव। मुझे पराजित करने के लिए तुमने क्या क्या छल किए हैं वो जानता हूं मैं। अवश्य, और मैंने आपसे कहा था कि इस युद्ध में छल अवश्य होंगे और दोनों पक्ष से होंगे, किंतु आपकी पराजय का कारण वास्तव में मैं नहीं हूं, आप स्वयं हैं। आप परिस्थिति पर पूर्ण विचार किए बिना कार्य करते हैं, उसमें मेरा दोष नहीं। जैसे कि आज आप अपनी माता के समक्ष पूर्ण रूप से निर्वस्त्र होकर जा रहे हैं, शरीर को वज्र का बनाने। तुम कैसे जानते हो वासुदेव? मैंने भी कुछ शास्त्र पढ़े हैं भ्राताश्री, और मैं जानता हूं तपस्या का फल किसी को सुरक्षा के लिए दान में दिया जा सकता है, और मैंने माता गांधारी को कुरुक्षेत्र में आते हुए देखा। वास्तव में आपने सुरक्षा अपनी माता से युद्ध से पहले क्यों नहीं प्राप्त की? ये प्रश्न अवश्य है मेरे मन में। नहीं प्राप्त हुई तो आज प्राप्त करूंगा, और कल उन दुष्ट पांडवों का वध करूंगा मैं। यथार्थ, जैसा कि मैं कह रहा था कि आप परिस्थिति का पूर्ण रूप से विचार नहीं करते, इसलिए विजय का अवसर आपको पराजय का परिणाम दे जाता है। अंतिम निर्णय तो आप ही का है। जाइए जाइए, मैं भी चलता हूं। तात्पर्य वासुदेव, अब आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो बता ही देता, आप अपनी माता के समक्ष संपूर्णतः निर्वस्त्र होकर जा रहे हैं, और धर्म और परंपरा कहते हैं कि जो युवान अपनी माता के सामने नग्न होता है उसे कदाचित माता की हत्या का पाप लगता है, और ये कोई उचित व्यवहार भी नहीं। इतना बड़ा पाप अवश्य पराजय का कारण बन सकता है, विचार कर लीजिए। गदा युद्ध में कमर के नीचे प्रहार करना नियम के विरुद्ध है। यदि मेरे कमर के नीचे का भाग वज्र का नहीं हुआ तो कोई आपत्ति नहीं, किंतु मेरा शेष शरीर तो वज्र का बन ही जाएगा। जैसा आपका निर्णय भ्राताश्री, अब आज्ञा दीजिए। खेलिए मामा श्री, मैं एक और दाव छोड़ता। आपने एक बार भी पासा नहीं फेंका है वासुदेव, कल अग्नि स्नान करना होगा, ये मरना है। यदि पराजित हो गया तो अग्नि स्नान अवश्य करूंगा, किंतु दाव छोड़ने को मैं पराजय नहीं कहता मामा श्री। खेलने की आपकी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मेरी कौन सी रीत आप आज तक समझ पाए हैं मामा श्री? कैसे तुम ये बार बार पराजित कर देते हो कृष्ण? जो केवल जीतने के लिए खेलता है उसे विजय और पराजय दोनों मिलते हैं।
मैं तो केवल लीला करता हूं। लीला का अर्थ जानते हैं आप? जहां ना विजय का मोह और ना पराजय का भय, केवल जीवन जीने का आनंद और कुछ नहीं। असत्य मत कहो कृष्ण, क्या तुम्हें पांडवों की विजय का मोह नहीं? नहीं, कदापि नहीं। एक पात्र में धान के दाने भरे जा रहे हो तो गृहणियां उस पात्र को झकझोरती हैं। धान के दाने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। कौन सा दाना दब जाता है, कौन सा दाना ऊपर आ जाता है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि अंत में उन सब दानों को भोजन ही बनना है। समय आज संसार को झकझोर रहा है। मनुष्य नाम के दाने अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे। अधर्म कुछ मनुष्यों को ऊपर उठाएगा और समय पहले उनका भोजन करेगा। धर्म कुछ मनुष्यों का रक्षण करेगा और उनका भोजन बाद में किया जाएगा। काल के मुख में तो एक दिन सबको जाना है, किंतु महत्वपूर्ण ये कब और कैसे। मुझे किसी का मोह नहीं है, केवल धर्म की विजय का विश्वास। कल प्रातःकाल मेरा बच्चा दुर्योधन पांचों पांडवों का वध कर देगा। आपको अग्नि स्नान करना होगा, उसके पश्चात मेरी विजय हो जाएगी और मेरे ही शब्द धर्म कहलाएंगे। मामा श्री वासुदेव, क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि भ्राता श्री दुर्योधन वज्र का शरीर लेकर आएंगे, या फिर उनका कोई अंग निर्बल रह जाएगा? बैठिए मामा श्री, युद्ध को मध्य में छोड़कर जाएंगे तो आपको अग्नि स्नान करना होगा। दूत, कपटी, छलिया, अब फिर से कौन सी माया खेली है तुमने? मैंने तो केवल आपके प्रिय दुर्योधन को इतना कहा कि एक युवान को अपनी माता के समक्ष पूर्ण निर्वस्त्र होकर नहीं जाना चाहिए। उचित व्यवहार नहीं होता, पाप होता है। मामा श्री, मैंने तो अभी एक पासा तक नहीं फेंका और आपने हार मान ली। दूर कपटी वासुदेव, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे।